अस्सलाम वालेकुम। अब इसमें इस लेसन में ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे जिसमें या तो सेलिंग प्राइस सेम है, दो आर्टिकल्स हैं उसमें सेलिंग प्राइस सेम है, या कॉस्ट प्राइस सेम है। तो ये इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम है 2 पेंस की। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेंस इज सेम। अ ट्रेडर सेल्स 1 पेन एट 10% प्रॉफिट एंड अदर एट 10% लॉस। इसमें ये बात है कि एक प्राइस है एक्स परसेंट प्रॉफिट पे, और फिर एक दफा दूसरा आर्टिकल जो है वो सेम एक्स परसेंट लॉस पे बेच रहा है। तो ये कंडीशन है इस चीज की। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है उसके हिसाब से है। अभी इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए, अगर कॉस्ट प्राइस 2 पेन है, पेन 1 और पेन 2, कॉस्ट प्राइस एक की अगर 100 है तो वो सेम कह रहा है अगर, तो दूसरे की भी 100 होगी, राइट। और फिर यहाँ पे 10% प्रॉफिट हुआ है, तो 10% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 100 का 10% 10 है, तो प्रॉफिट जो है वो उसमें ऐड होगा, तो 110 उसकी क्या बन जाएगी, सेलिंग प्राइस। ये है प्रॉफिट, ठीक है। इसी तरह इधर 10% का लॉस हुआ है, यहाँ मैं एरो लगा देता हूँ, यहाँ लॉस हुआ है, लेकिन 10% 100 का 10 ही रहेगा, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ हमने ऐड किया था, तो ये 90 बन जाएगी सेलिंग प्राइस। इस आर्टिकल की पेन 1 की सेलिंग प्राइस 110 है, और पेन 2 की सेलिंग प्राइस क्या है, 90। अब टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या है, 100 प्लस 100 जो कि 200 होती है, और टोटल सेलिंग प्राइस क्या है, 110 प्लस 90 जो कि 200 ही है। इसका मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जब कॉस्ट प्राइस सेम हो, ये याद रखना है कि जब कॉस्ट प्राइस सेम हो, कॉस्ट प्राइस, और फिर एक्स परसेंट, एक आर्ट दो आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस सेम हो, एक आर्टिकल को एक्स परसेंट प्रॉफिट पे सेल किया है और एक को सेम एक्स परसेंट लॉस पे सेल किया है, तो देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, नो लॉस, ठीक है। अब जरा इसी सेम चीज को हम देखते हैं, जब सेलिंग प्राइस दोनों की सेम हो, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अब इसमें अ ट्रेडर सेल्स 1 पेन एट 10% प्रॉफिट, तो एक्स परसेंट प्रॉफिट पे है, और एंड अदर एट 10% लॉस, तो 10 वही सेम अमाउंट एक्स परसेंट लॉस पे, यानी नीचे। द अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग ईच पेन, ईच ऑफ द पेन इज सेम। तो यहाँ सेलिंग प्राइस सेम है, फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। इसका हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप पहले एग्जैक्टली सेम तरीके से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना अच्छा है, कि जो बिल्कुल टेढ़े क्वेश्चन होते हैं तो उसमें ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो तो थोड़ा सा आदमी को मसला होता है। तो सेलिंग प्राइस, अब ये पेन 1 है, पेन 2 है, इसमें सेलिंग प्राइस सेम है, पिछले में कॉस्ट प्राइस सेम थी, तो सेलिंग प्राइस दोनों में 100 लेने के बजाय मैं 99 ले रहा हूँ, और थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि 99 क्यों चूज किया मैंने। तो इसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ था, 10% प्रॉफिट हुआ था, तो +10% आपने, लेकिन यहाँ बहुत ही एहतियात की जरूरत है। यहाँ ये कहते हैं कि ये 10% इसका नहीं है, सेलिंग प्राइस का नहीं है, 10% हमेशा प्रॉफिट या लॉस परसेंट हम पहले देख चुके हैं कि वो ऑन कॉस्ट प्राइस होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। तो इस सेलिंग प्राइस से वापस कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, ये भी हमने पिछले लेसन में सीखा हुआ है कि 10% अगर प्रॉफिट आया है तो 1.1 से डिवाइड कर दें, 20% प्रॉफिट आया है तो 1.2 से डिवाइड कर दें। अगर ये क्लियर नहीं हो रहा तो वो पिछला लेसन आप दोबारा देखें,
उसमें क्लियर हो जाएगा। तो डिवाइड ये करना है, ये क्या आ जाएगा, यानी 99 डिवाइड बाय 1.1, आप दोनों तरफ अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये 11 बन जाएगा, नीचे ये 11 बन जाएगा और ऊपर 990 बन जाएगा। तो 11 टाइम्स 9 इज 99 होता है, तो 90 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी ये कॉस्ट प्राइस आ गई है 90, ठीक है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे, सेलिंग प्राइस यहाँ पे है और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 90। अब इससे आपको ये भी, यानी ये 99 है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस 90 है, तो इससे आपको ये भी पता चल गया कि असल में कॉस्ट प्राइस में कितना ऐड हुआ है, 9 ऐड हुआ है, तो वो 99 सेलिंग प्राइस बन गई। अब इसमें 10% लॉस हुआ था, तो 10% जब लॉस हुआ था तो एग्जैक्टली उसी तरीके से हम कॉस्ट प्राइस किस तरह इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, 99 को डिवाइड बाय किससे करेंगे, 0.9 से। जब लॉस हुआ था तो 1 माइनस 0.1 यानी 10% करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0.9। तो एग्जैक्टली 0.9 से आपने कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई किया था तो ये सेलिंग प्राइस आई थी, तो इस वजह से 99 डिवाइड बाय 0.9 करेंगे। अब यहाँ भी 0.10 करेंगे तो टाइम्स 10, नीचे तो 9 बन जाएगा और फिर ऊपर 990 बन जाएगा, तो 9 टाइम्स 11 इज 99 और 1 0 इस 10 का, तो 110 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ये कॉस्ट प्राइस, दूसरे पेन की कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, 110। अब कॉस्ट प्राइस ये ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस 2 या कॉस्ट प्राइस 1 लिख देता मैं, कॉस्ट प्राइस ये जो है ये सेलिंग प्राइस से ज्यादा है अभी हमें, यानी सेलिंग प्राइस से ज्यादा कॉस्ट, तो इसका मतलब है यहाँ पे उसको लॉस हुआ है, ठीक है, और कितना लॉस हुआ है, 110 माइनस 99 करेंगे तो 11 बनता है। इसका मतलब है जब कॉस्ट प्राइस उसकी 110 थी उसमें 11 उसको लॉस हुआ, अगर 110 रुपीज़ थी तो 11 रुपीज़ उसको लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस उसकी 99 थी। तो अब ये देखने के लिए सेलिंग प्राइस टोटल क्या है, टोटल सेलिंग प्राइस क्या है, बल्कि ये अलग कलर से कर लेते हैं ये सब, सेलिंग प्राइस अब टोटल कितनी हो गई, 99 प्लस 99 दैट इज 198, डबलिंग की टेक्निक आपको आती है, और टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 90 प्लस 110 जो कि 200 होगी। तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस कम है, तो कितने का लॉस हुआ, 2 का लॉस उसका कितने का हुआ, 2 का, और लॉस परसेंटेज उसको चाहिए यहाँ पे, लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तो 2 लॉस है और 200 कॉस्ट प्राइस है, टाइम्स 100, तो ये हमारा फार्मूला जो है इसमें ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल आउट हो जाएंगी और 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, 1% लॉस, ठीक है। ये सिर्फ, ये सारा कुछ सिर्फ जो है कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने किया है, नहीं तो इसका एग्जैक्टली बहुत ही छोटा सा प्यारा सा फार्मूला है जो, अच्छा अगर सेलिंग प्राइस सेम हो, सेलिंग प्राइस सेम हो अगर दो आर्टिकल्स की, एक में वो एक्स परसेंट प्रॉफिट पे उसने सेल, सॉरी सेल किया और दूसरा एक्स परसेंट लॉस पे सेल किया, तो हमेशा ही लॉस आएगा, एक तो ये बात, हमेशा ही लॉस होगा, और कितना होगा वो लॉस, वो जो सेम अमाउंट का, सेम अमाउंट की परसेंटेज की प्रॉफिट और लॉस हो रही है, वही सेम अमाउंट यानी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 100, राइट, ये आपका फार्मूला है। इसमें एक्स क्या है, 10, तो 10 स्क्वायर अपॉन 100 क्या होगा, 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। तो ये जो 1 है ये 1% लॉस है, हमेशा लॉस होगा, ठीक